इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस क्लास टू वी आर डिस्कस अबाउट द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस अंतरान्विक बल। उदासीन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे अंतरान्विक बल कहते हैं। वान डर वाल ने गैसों के लिए दाब संशोधन इस आधार पर किया था कि अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल रहता है, इसलिए अंतरान्विक बल को वान डर वाल बल भी कहते हैं। इस बल को संजन या संबद्ध बल भी कहते हैं। वान डर वाल्स बलों के पक्ष में प्रमाण। नंबर वन, वान डर वाल ने अणुओं के मध्य आकर्षण के लिए दाब संशोधन तथा अणुओं के आयतन के लिए निम्न ताप तथा उच्च दाब पर आयतन संशोधन करके वान डर वाल समीकरण डेरिव किया था। नंबर दूसरा, जूल थॉमसन प्रभाव। छोटे छिद्र में से किसी गैस को उच्च दाब वाला क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर विसरित कर प्रवाहित करने पर ताप में कमी हो जाता है, क्योंकि गैस के अणुओं की ऊर्जा उनके अंतरान्विक आकर्षण बल को तोड़ने पर खर्च हो जाती है, जिससे उनका ताप कम हो जाता है और गैसों के शीतलन हो जाता है और गैसों का विकिरण हो जाता है। नंबर थर्ड प्रमाण, उत्कृष्ट गैसें भी विशेष परिस्थितियों में द्रवित हो सकती है। यह तब अणुओं के मध्य किसी इनसे सिद्ध होता है कि पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतरान्विक आकर्षण बल रहता है। अंतरान्विक आकर्षण बलों के उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है। नंबर वन, द्विध्रुव डैश द्विध्रुव अंतरक्रिया। ध्रुवीय अणुओं के उदासीन होने के बावजूद भी उन अणुओं में स्थायी द्विध्रुव रहता है। इस प्रकार के अणुओं में से वैद्युत वान डर वाल्स बल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए SO2, NH3, HF, HCl आदि गैसों में स्थायी द्विध्रुव और इन गैसों के अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण रहता है। यह आकर्षण बल अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है। जितना अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा उतना ही अधिक अंतरक्रिया होगी, जिससे इनके अणुओं में तीव्र ऐसी गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने पर इनके खतनांकों के मान उच्च होते हैं। दो द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बल का मान E0 -2μ4/3R6kT द्वारा दिया जा सकता है। यह μ ध्रुवीय अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण, R द्विध्रुवों के मध्य की दूरी, के बोल्ट्ज़मान स्थिरांक, T परमताप। नीचे चित्र दिखाया उसमें देखना द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्पर क्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, द्विध्रुव डैश पेरियर द्विध्रुव अंतरक्रिया, इसी को कहते हैं प्रेरण प्रभाव। द्विध्रुव अणु के संपर्क में यदि कोई उदासीन अणु आए तो वह प्रेरित होकर ध्रुवीय अणु बन जाएगा, जिससे ध्रुवीय अणु प्रेरित द्विध्रुव अणु के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होगा। इस वान डर वाल बल का परिणाम दो नंबर दूसरा, उदासीन अणु में ध्रुवित होने की शक्ति कितनी है। दोनों अणुओं के मध्य की ऊर्जा E R -2α μ²/R6। अल्फा अध्रुवीय अणु का ध्रुवणता, म्यू ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, R ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी। तीसरा है प्रेरित द्विध्रुव डैश प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया या प्रकीर्णन प्रभाव या लंदन बल। फिट्ज़ लंदन ने उदासीन अणुओं के मध्य आकर्षण बल को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव गतिमान रहता है। पूर्ण रूप से सममित अणु या परमाणु में औसत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा शून्य रहता है, शून्य मानते हैं। उदाहरण के लिए निष्क्रिय गैस के अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, किंतु ऐसे अणुओं में भी किसी क्षण इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण तंत्र में क्षणिक असंतुलन आ जाता है, जिससे उस क्षण के लिए एक द्विध्रुव के रूप में प्रेरित हो जाता है और यह प्रेरित द्विध्रुव उसी क्षण किसी समीप वाले अणु या परमाणु को भी प्रेरित द्विध्रुव के रूप में प्रेरित कर देता है, जिससे दोनों में एक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है।
जिसे लंदन या प्रकीर्णन बल कहते हैं। इसकी ऊर्जा ED = -3α स्क्वेयर L/4R⁴। L = आयनन ऊर्जा, α = अणुओं की ध्रुवणता, R = दोनों की मध्य की दूरी। फोर्थ, आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण बल। यह आयनों एवं ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाए जाने वाला बल है। इस पारस्पर क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा E = -μ/R² E = आयन पर आवेश, μ = द्विध्रुव आघूर्ण, R = आयन और द्विध्रुव के बीच की दूरी। जल तथा ध्रुवीय विलायकों में आयनिक यौगिकों की विलेयता इन्हीं बलों के कारण होती है। उदाहरण, जल में NaCl की विलेयता। और लास्ट है प्रेरित ध्रुव बल। यह बल आयनों और उनके द्वारा प्रेरित ध्रुवों का बल होता है। यदि कोई आयन किसी अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो वह आयन उस अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत कर देता है। अणु का ध्रुवन उसकी ध्रुवणता तथा आयन की ध्रुवन क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रकार पारस्पर क्रिया में मुक्त ऊर्जा E = -α² / 2R⁴। α = अणु की ध्रुवणता, E = आयन पर आवेश, R = आयन और प्रेरित ध्रुव के बीच की दूरी।